निर्भया के दोषी मुकेश को झटका लगा है। मुकेश की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश एलजी ने की है। दया याचिका खारिज करने की सिफारिश एलजी ने गृह मंत्रालय को मुकेश की फाइल भेजी है। दोषी मुकेश की दया याचिका गृह मंत्रालय के पास भेजी गई। अमित दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अमित, क्या कुछ जानकारी? जो दया याचिका थी वो गृह मंत्रालय के पास है, फाइल उसकी? देखिए, दिल्ली सरकार ने दया याचिका को, मुकेश की दया याचिका को खारिज किया। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली में रूल करते हैं उन्हें भेजा गया और उनके पास से अब गृह मंत्रालय में फाइल पहुंच गई है और इसके बाद अब गृह मंत्रालय इस पर अपनी रिपोर्ट लगाएगा और उसके बाद इस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी, जहां आखिरी निर्णय जो है वो राष्ट्रपति को लेना है। क्योंकि इस अर्जी में साफ तौर पे दया याचिका में जो उसे फांसी 22 तारीख को होने वाली है उसे रोकने की मांग की गई है, लेकिन जिस तरह से अभी सिर्फ एक आरोपी मुकेश की दया याचिका चल रही, तो जाहिर तौर पे जो हथकंडे हैं वो तीन आरोपी और बचे हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो और अभी सिर्फ एक आरोपी मुकेश की दया याचिका को लेकर ये हथकंडे उसने, मुकेश ने अपनाया फांसी से बचने के लिए या फांसी को देरी करने के लिए, लेकिन अभी तक झटके पर झटका लग रहा है निर्भया के दोषियों को। एलजी ने गृह मंत्रालय को भेजी मुकेश की फाइल। दोषी मुकेश की दया याचिका गृह मंत्रालय के पास भेजी गई, यहां से राष्ट्रपति के पास। दिल्ली से खबर आपको बता रहे, निर्भया के दोषी मुकेश को झटका।